लग रही है ना लजीज। ये देखिए कितनी टेस्टी कचौड़ियाँ बनी है, और ये स्प्राउट की बनी है। बच्चे घर में स्प्राउट नहीं खाते हैं, तो फिर हमने सोचा कि अब बच्चों को क्यों ना हेल्दी वेल्दी खाना दिया जाए। इसके लिए मैंने स्प्राउट को जार में मिर्ची और धनिया के साथ पीस लिया है। ये देखिए मेरा स्प्राउट पीस गया है। अब मैंने इसमें इसको निकाल लिया है आसानी से, और किसी को पता भी नहीं चला कि मैं स्प्राउट की कचौड़ियाँ बना रही हूँ। मैंने थोड़ी सी इसमें हींग डाली है, आपको जैसी हींग पसंद हो। हमारे यहाँ ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है। इसके बाद आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाला है मैंने, देखिए। और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने कढ़ाई में कड़वा तेल डाला है। कड़वा तेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेस्टिव होता है, बॉडी में फैट नहीं जमा होने देता है, इसलिए हम लोग कड़वा तेल यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने फटाफट आटे की लोई बनाई। लोई को बनाने के बाद 3-4 लोइयाँ एक साथ काट के रख ली, जिससे जल्दी से जल्दी काम हो सके और बच्चों को भी स्कूल जाने में देर ना हो। मैंने सारी लोइयों को फटाफट भर के एक साथ 3-4 लोइयाँ तैयार कर ली, जिससे हमें कचौड़ी बनाने में समय ना लगे। और ये देखिए मेरी दूसरी कचौड़ी भी भर गई है। कचौड़ियों को गोल्डन ब्राउन होने तक धीमी आंच में भूनेंगे, जिससे वो टेस्टी और क्रिस्पी बने। ये खस्ता कचौड़ी तैयार होती हैं, बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी खस्ता कचौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए बेटा मेरा सॉस के साथ खाएगा, और हम लोग इसको चाय के साथ खाएंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप किसके साथ खाना पसंद करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।